बात क्या है चिनू, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? अम्मी, चिनू, भाई, अलादीन, अम्मी, अलादीन, बात क्या है? क्या हुआ? अम्मी, जो भी था, वो एक बुरे ख्वाब की तरह गुजर चुका है। खुदा का शुक्र है कि आप लोग ठीक हैं। पता नहीं बगदाद में आजकल हो क्या रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे शहर को। अम्मी, नजर लगी तो उतार दी जाएगी। अम्मी, कोई भी मुश्किल आएगी तो हम मिलकर सामना करेंगे। और आप भी तो कहती है ना, दिल में या तो खुदा रहते हैं या तो खौफ, और हमारे दिल में तो खुदा रहते हैं। लेकिन कुछ नहीं अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा तो भूख तो लगेगी ही ना। मेरे बेटे को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। तू तो मेरा सबसे मासूम बेटा है, अगर किसी ने तुझे बुरी नजर लगाई ना तो मैं खुद जाके कान खींच लूंगी उसके। आपकी दुआएं साथ हैं तो आपके लाल को कुछ नहीं हो सकता है। अम्मी, तौबा, देखा मेरे भाई अंगूठी के जिन ने क्या किया, अपनी ताकत से पूरे बाजार को उछाड़ दिया। शैतानों की कहानियां तो बहुत सुनी, आज देख भी लिया। अरे अहमद मियां, मेरे अब्बू हमेशा से कहा करते थे कि बगदाद दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान पर बसा है। अरे पिछले साल ही मुझसे फकीर ने कहा था, दुनिया खत्म होने वाली, राज वही सब हो रहा है। आका, देखा चारों तरफ बस मौत की बातें चल रही हैं। अम्मी, हम लोग मरने वाले हैं। नहीं बेटा। आका, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, अगर उस अंगूठी के जिन को पता चल गया तो फिर से यहाँ पे तबाही मचा देगा, इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। जिन, तुम देख रहे हो, इन सब की बातें सुन रहे हो, इन सबको अपनी जान की फिक्र है, सबके मन में दहशत फैली हुई है और सिर्फ एक ही शख्स है जो इन सबकी फिक्र को दूर कर सकता है, जो इन्हें अंगूठी के जिन से बचा सकता है। कौन है वो बहादुर पाके चला? तुम जिनू और कौन? हाँ जिनू, और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं, उस ताज जी को भी यकीन है, इसलिए हम अभी उनके पास जा रहे हैं। चलो। उस ताज जी के पास नहीं, उस ताज जी के पास गए तो फिर से कहेंगे, अपने दिमाग में जोर डालो, पत्थर को तोड़ डालो। नहीं 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 आका, उस ताज जी की उम्र हो चली है, उन्हें उन्हें आराम करने देते हैं और मैं घर जाता हूँ, मुझे भूख लगी है। ये जिनू का बच्चा ऐसे नहीं मानेगा। जिनू, ये मेरा हुक्म है, अब चलो मेरे पीछे। अगर ऐसी बात है तो तुम आगे आ जाओ। जी शुक्रिया। हा? लेकिन इस तरफ नहीं, उस तरफ। जिनू, हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है और तुम, चलो। मुश्किल बहुत बड़ी है और उसे सिर्फ तुम आसान कर सकते हो। चराग के जिन, सब तरफ मायूसी छाई हुई है, सबके दिल सहमे हुए हैं और ये सब उस अंगूठी के जिन की वजह से हुआ है। तुम हो जो उसे रोक सकते हो। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। घबराओ मत, अब तो उस्ताद जी भी हमारे साथ है। अरे यही तो घबराने वाली बात, मेरा मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो, और तुम्हारी सोई हुई ताकत को जगाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसके बाद ये अंगूठी का जिन भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस्ताद जी, मेरी सोई हुई ताकत रजाई उड़ के सो रही है, लेकिन मेरे पास उस अंगूठी के जिन से बचने का एक रास्ता है। सच? हाँ। क्या रास्ता जिनू? भागना, हम लोग यहाँ बगदाद से भाग जाते हैं ताकि हम लोग महफूज रह सके, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? नहीं आते।
उस्ताद जी हमें शर्म नहीं आती, हमारी अम्मी कहती है कि खतरों से दूर रहो, और आप हैं, आप मुझे मौत के मुंह में डाल रहे हैं। जिनू, हर अम्मी की तरह हमारी अम्मी भी चाहती है कि उसके बच्चे महफूज रहे, लेकिन हमारी अम्मी ने हमें एक और चीज सिखाई कि चूहे की 100 साल की उम्र से शेर की 1 दिन की जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है। जिनू, अपने लोगों और अपने मुल्क को मौत के मुंह में छोड़कर भागने से बेहतर है कि मैं लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊं। शाबाश अलादीन, जिस मुल्क की मिट्टी में तुम जैसे बहादुर पैदा होते हैं उस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनू, तुम मेरा साथ दो या ना दो जिनू, लेकिन मैं अंगूठे के जिनका सामना करने चाह रहा हूं। आजा, आका, हम दोनों उस अंगूठी के जिन से लड़ने जाएंगे, जीतेंगे और हम दोनों लौट के भी आएंगे। मुझे माफ कर देना आका, मैं डर गया था, घबरा गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम और उस्ताद जी मुझे तैयार करें तो मैं 100 अंगूठी के चिन्ह से लड़ने को भी तैयार हूं। और मैं बगदाद और बगदाद में रहने वाले एक एक शख्स को महफूज रखूंगा। शाबाश, इसी जज्बे के साथ हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। तू ठीक तो है ना? नहीं अम्मी। नहीं? उस बड़ी शैतानी छिपकली की वजह से आपके गुल्लू का चेहरा खराब हो गया। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा गुल्लू, तू वहाँ रुका क्यों? वहाँ से भागा क्यों नहीं? अम्मी मैं भी ना अपना तफरी का फायदा उठाकर चुलचुल हलवाई की दुकान से केसर वाला दूध चुरा कर पी ही रहा था कि एक मनुष्य ने मुझे धक्का दिया और देखो आपके चांद के चेहरे का हाल क्या हो गया। तूने उसे मारा नहीं? मारा? इतना मारा कि उसे कंबल में लपेटकर उसका कच्चम्बर बना दिया। शाबाश है मेरे बच्चे, शाबाश है। बेगम, मैं मर गया रे, मैं मर गया, आज तो मेरी हड्डियां गल गई। ओ अनार के दाने, कहां से पिचक के आ रहे हो? बेगम, आज बगदाद का आसमान तुम्हारे जितना खौफनाक था। क्या कहा? बेगम, मेरा कहने का मतलब है उस शैतानी छिपकली के हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। मैंने सोचा अफरा तफरी का फायदा उठाकर फुलतुल हलवाई की दुकान लूट लूं, लेकिन तभी मैं खबीस की औलाद से टकरा गया और उसने मुझे मार कर मेरा कचूमर निकाल दिया। मर गया तू अबू थी। लू, तेरे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चल तो सच बता क्या हुआ है, दिखा मुझे। मैं दिखाई नहीं रहा गुल्लू, मेरी बात मान, दिखा दे। नहीं नहीं, दिखा दे गुल्लू। मैं मानू, दिखा दे, दिखा, मैं मान, दिखा दे। ऊंट को ऊंट के बच्चे ने लात मारी, आज तू नहीं बचेगा गुल्लू। सूखे कंकाल में अभी तक जोर है, खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया, जीना है या नहीं तो जाओ जाकर खाना बनाओ। बहुत अच्छा। चलो तैयारी शुरू करते हैं। जिनू, इस सेब को हिलाओ। बस इतनी सी बात, अभी लो। पीछे पीछे
खबरदार है जिनू, जो तुमने सेब को हाथ लगाया। क्यों? मेरे हाथ तो साफ है। जिनू सेब को खाना नहीं है, सेब को हिलाना है, वो भी बिना छुए। जिनू मेरे भाई, तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम पहाड़ हिला सकते हो। ये सेब तो बहुत छोटी सी चीज है। दिल में जोश, दिल में जोश, दिल में जोश, दिल में जोश। समझो कि ये सेब नहीं है, कुल बदन है, और कुल बदन ने तुम्हारे समोसे खा लिए। समोसे? इधर नहीं, नहीं तो उधर रहनी चाहिए, उधर देखो। ठीक है, उसने तुम्हारे समोसे खा लिए, और अब वो खा पी के एकदम बोरी की तरह कुर्सी में पसरा हुआ है, और अब तुम्हें बिना छुए इस कुल बदन को गिराना है। हाँ, तुम जिन्नों की दुनिया के बेताज बादशाह हो, चराग के जिन, और अपनी जादुई ताकत से कुछ भी कर सकते हो। जी उस्ताद जी। जिन्नों, जिसे तुम पहाड़ समझ रहे हो, वो एक मामूली सा सेब है। सेब, हिला दो इसे, तुम्हें समोसे की कसम। जिन्नों, समोसे की कसम। अब भले ही मेरी हवा निकल जाए, लेकिन मैं इस सेब को हिला के रहूंगा। अगर आप कहें तो आपकी बातें सुनने के लिए मैं उम्र भर कैद होने को तैयार हूं। बहुत लड़के देखे, कुछ को सूली पर चढ़ाया, लेकिन उसके जैसा कभी नहीं देखा। दिल करता है कि हम तुम्हें बार बार देखें। पर ये अलादीन दिख क्यों नहीं रहा? आज काम पर नहीं आया क्या? दिया और कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? हाँ, तुम तो जानती हो कल बगदाद में क्या हुआ, इसलिए हम अपने महल की हिफाजत के लिए मुआयने पर निकले थे, इसलिए ये भेज लिया हमने। अब हम भी कल के बारे में ही सोच रहे थे। अच्छा, बावर्ची खाने के बाहर? वो हम यहाँ, हाँ, हम हमारा ना बादाम का हलवा खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए हम यहीं आ गए। अच्छा अच्छा, मन किया तो खाना ही चाहिए, पर तुमने क्यों तकलीफ उठाई? वो क्या है ना कि हमारे ना जिस्म में बहुत बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि हम खुद ही आ जाते हैं। सलाम शहजादी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, हमारे लिए गाजर का हलवा बनाया जाए। जी, लेकिन अभी तो तुम्हें बादाम का हलवा खाना था। हाँ, बादाम का हलवा बनाया जाए। जी शहजादी। अब जाओ। मेहर, हो गया?
हम तो अपने अपने कमरे में ही जा रहे थे। हम जानते हैं मेहर की बच्ची, तुम्हें यहाँ बादाम का हलवा ने उस काले चोर का जलवा खींचाया था। काले चोर और मेहर की कहानी शुरू होने से पहले हमें काले चोर को रोकना होगा। हमें उस बंदर को बताना होगा कि जिसे वो शहजादी यास्मीन समझता है, वो शहजादी यास्मीन नहीं, शहजादी मेहर है। तुम जहाँ पर भी हो ना काले चोर, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचने वाले। ये बड़ा ही बेशर्म से है। अब तक तो इसे हिल जाना चाहिए था। अका, मैं सच बता रहा, ये सच में बहुत बेशर्म से है। यकीन नहीं होता, एक जिन होकर तुम इस सेब को हिला तक नहीं पाए। सेब के बच्चे, कब से तुझे हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू हिल ही नहीं रहा था। अब देख, हिल। मजा आया। अब देख तू कैसे मेरे पेट में जाता है। शायद तुम्हें काला जिन बनने के लायक ही नहीं हो। कोई बात नहीं जिनू, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग और इस सेब दोनों को आराम की जरूरत है। तब तक हम जिस्मानी कसरत कर लेते हैं, क्यों, है ना? दिल में जोश, दिल में जोश, जिनू देख, दिल में जोश। मेरे सारे दिमाग ने आज अच्छा फंसाया है। पता नहीं वो काले चोर का बच्चा कहाँ है। एक बार हमें मिल जाए ना, हम उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, उसको अपने सामने कर देंगे। तुम काले चोर, हमसे मोहब्बत नहीं है उस बंदर के बच्चे को, उस शहजादी यास्मीन से मोहब्बत है। एक इंसान से मोहब्बत नहीं है, उसके रुतबे से मोहब्बत करता है। तभी तो उसे शहजादी मेहर दिखी हमारी जगह, तो उसमें दिलचस्पी हो गई, और वो मेहर की बच्ची दाल डाल कच्ची, वो भी उसे ऐसे हसर की बातें कर रही थी। तुम काले चोर, ना बावर्ची खाने में और ना ही यहाँ पर है, गया तो गया कहाँ? पूरी दुनिया की उम्मीद तुमसे जुड़ी है चिराग के जन, आज तुम्हें अपनी जादुई ताकत दिखानी होगी। अरे उस्ताद जी, जिनू तो इस पत्थर को कागज की तरह उठा लेगा, है ना जिनू? जो हुक्म मेरे आका। जिनू मेरे भाई, आप तुम ठीक हो ना? ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आका, लगता है मेरे अंदर खाने की कमी हो गई, इसीलिए मैं इस पत्थर को उठा नहीं पाया। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम एक जिन हो और तुम्हारी ताकतों का खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उस्ताद जी, मैंने कोशिश तो की, अब क्या बच्चे की जान लोगे? पिटकी तुम, यहाँ तो गर्मी बढ़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। पिटकी तुम, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद हम फिर से शुरू करते हैं ना, तब तक आराम कर लेते। मैं आप लोग के लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? ठंडा पानी तब तक आप लोग भी ठंडे रहिएगा। वैसे तो यहीं पड़ा रहता है, आज कहाँ गया?
अभी तो यही था। कहीं इस गुफा में तो पानी पिलाऊंगा तो दोनों का दिमाग ठंडा होगा। नचड़ी, पेट की तुम, ये नचड़ी यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने जिनू को देख लिया तो जिनू का रास खुल जाएगा।